युवाओं के सहारे थोड़ी भाई, जिसकी आप जैसे क्या भाई हो भाई, हुआ? मैंने कहा जिसके आप जैसे भाई हो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी। राइट, ओए मैं तो जिसको भाई बोलता हूँ उसको अपने दिल में जगह दे देता हूँ, ठीक है? पर पनोड़ी भाई, आपके भाई तीन ही चार हैं, हम लोग को छोड़ के कोई भाई नहीं, हम लोगों का साला सब दुश्मन बन गए हैं पनोड़ी भैया। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम वाली बात मत है, ठीक है? कोई दिक्कत जिसको मत है, कोई दिक्कत मत है, कोई समस्या हाँ, मत नहीं। जिससे जो उखाड़ना है वही उखाड़ लो भाई। देखो मैं तो बोलता हूँ यार कि मैं एक नल्ला इंसान हूं, मैं एक गिरा हुआ उठाई गिरा हूं, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं है बकचोदियों के अलावा, राइट, राइट? तो मुझे तो ये खेले बेले करने में भाई मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं मेरा पूरा टाइम ही मैं इस खेले बेले में स्पेंड करता हूँ। अदर एक्टिविटीज ही नहीं है मेरे पास, ना तो मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, ना तो मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा चाकरी करनी है, ना तो मुझे मेरी छोटी पिंकी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, राइट राइट। राइट? मेरे पास मेरी सब तो कुछ सेट है, मुझे कुछ करना ही नहीं आपका है। तो सूफी भाई, आपकी बहन का नाम तो अच्छा है, पिंकी बहन। मेरी बहन का नाम तो चमेली वमेली रख रहे हैं यार साला, तो मतलब अच्छा है यार इन लोगों का यार, थोड़ा नाम अच्छा रखते हैं यार। अरे आपका नाम तो राहुल निकल गया भाई। हाँ, मेरा राहुल पासवान है और मेरा भाई है सुरेश पासवान और मेरी तीन बहनें हैं, तो मैं तीनों बहनों की लेता हूँ यार रात को, तो अच्छा है भाई मेरा। उसमें से एक की शादी पनोड़ी से करवा दो, दूसरी की मेरे से हाँ भाई, करवा दो यार। मैं भी इलीगल इमिग्रेंट हूँ, एंड जिग्नेश पटेल ने मुझे अमेरिका भेजा था। मैं अमेरिका इंडिया में 5 लोगों का रेप करके इधर आया हूँ। वाह गजब। और तार नाके थे पनोड़ी भैया ने, तार नाके थे मादर चोदो, प्लेन से उड़ के नहीं गए थे अमेरिका। तो कर हाँ लो यार, अब तुम लोग कर लो जो करना है। भाई, जो होता है वो तोड़ लो, जो करना है कर लो, ठीक है? और मैं तो हवाबाज हूं नहीं, जाके मेरी स्टोरी चेक कर लो। मैंने तो प्रॉमिस की थी कि रोहित के टट्टे तक, उसके टट्टे तक मेरे हाथ पहुंचेंगे, तो मेरे हाथ पहुंच चुके हैं, ठीक है? अभी महज आधे घंटे में पोर्नो शुरू करूंगा मैं चुदिति पटेल की। चुदिति पटेल, आज तेरी पोर्नो दिखाने वाला हूं मैं, तो आ जाइयो मजे लेने के लिए। जिस बूढ़े के साथ तू चुदी थी सारी पोजीशंस में, वो सारी पोजीशन क्लियर कट, वो भी सारी चीजें भेज दी है मुझे भाई। सुखी भैया, पैसों से क्या नहीं होता बताओ। सही बात है माँ भाई। बहनें नाचती हैं पनोड़ी भाई, किसी की माँ बहनें ही होती है ना वो, जो नाचती हैं पैसों मैंने उस बूढ़े को दो ऑप्शन दिए। मैंने बोला देख बूढ़ो, तुझे चप्पल खानी है या पैसे लेगा, दो ऑप्शन है तेरे पास, चप्पल या पैसा। तो बूढ़े ने पे। बोला कि पनोनी भैया पैसा लूंगा मैं, चप्पल मत मारो भाई। मैंने उसको चप्पल पैसा दे दिया, उसके उसने सारी चीजें मुझे भेज दी, साला, राइट? मेरे हाँ, बंदे तो लोग। चुती पटेल आपने सारी चीजें, क्या हुआ आपने उस बड़ौ से ही निकाली सारी चीजें। भाई? मैं शेरनी के बेटे को ढूंढ सकता हूं, तो ये बूढ़ा तो क्या, मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूं सुखी भाई। मैं किसी को भी किसी के घर में घुस के मैं कुछ भी कर सकता हूं यार। तुम लोग मानते क्यों नहीं इस बात को? देखो आज मैंने प्रूफ लगाया है, शेरनी के बेटे का आइडेंटिटी कार्ड, शेरनी ओ बूढ़ा भोसड़ा, अब मजा आएगा खेले में। दे गाली अब तू मेरी बहन को, बोल रेपिस्ट मुझे और ठोक के गाली दे। तू तो हवाबाज है ना? मैं तो हवाबाज हूं मत, मैं तो हवाबाज नहीं हूं। अब देख तू खेला। और सुमित नारंग भोसड़ी के, तुझे बार बार समझाया, बारंबार समझाया, लगातार समझाया कि बहन के लोड़े मुझसे पंगा ना ले, ना ले, ना ले, फिर तू हाथ जोड़ता है, फिर तू रोता है, फिर बहन के लोड़े तू पंगा लेने के लिए मेरे साथ बार बार आ जाता है। तुझे तुझे रोने का, बहन के लोड़े मेरे चप्पल खाने का शौक है तुझे। भोसड़ी के ऐसे ही तू वीडियो कॉल पे बोल देता कि पनोड़ी चप्पल से मारो मुझे। बहन चोट, फालतू की हवाबाजी, फालतू का
तो भाई चलो, अब खेला शुरू हुआ है तो देखते हैं अब खेले में क्या क्या होता है वो, ठीक है पनोड़ी भाई, है ना। अब बात रही बिल्कुल बहनचोद, बात रही बहनचोद किसकी भी, तो भाई जिसको भी जिससे जो होता है वो भाई तोड़ लो, ठीक है, राइट ठीक है। जिससे जो भी होता है भाई तुम हमारा तोड़ लो, हम तुम्हारा तोड़ लेंगे, देखते हैं अब क्या होता है बराबर वो, बराबर बराबर है ना। एक ठीक है ठीक तो भाईचारे में हम लोगों की आइडिया भी जाओ, हम लोगों की आइडिया बचाते फिरते हैं भाई। ये गिरा हुआ इंसान आइडिया उड़ाने वाला था ये बलराज की। मैंने बोला कि भाई छोड़ अपने बड़े भाई है, रहने दे यार, उनकी आइडिया नहीं, तू मत उड़ा। बलराज भाई की और गोल्डी की बात खत्म हो चुकी थी, वो बात विनीत भाई ने बोल दिया था तो वो खत्म हो गई थी, उनका कोई मैटर ही नहीं था। एक समाज हाँ का ठेकेदार चप्पल चोर सुमित नारंग का जन्म हुआ जो लड़कियों को मोलेस्ट करता है, सही बात है, तो मैं मतलब बोलूंगा उसके बारे में पनोड़ी भाई अभी, तो ठीक है वो सारी चीजें आएंगी। कल सारी चीजें सारी मैटर लाइव पे खत्म हो चुकी थी। वो विनीत बोल के गया था कि भाई सब लोग डीएम में आ हाँ जाओ, डीएम पे अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट पता नहीं ये बहन के लोड़े को क्या, बहन चोद को क्या हवाबाजी, अरे भोसड़ी के, सुमित नारायण मुझे बदनाम करके क्या मिलेगा क्या। मैं तो खुद भोसड़ी के बोलता हूँ कि मैं तो माधर चोद हूँ, दो पौड़ी का हूं मैं, तुम कुछ नहीं सुमित कर नारंग, पाओगे मेरा। तू आने वाले 20 मिनट में मेंटल मेंटल बैंक करप्ट होने वाला है। आने वाले 15 से 20 मिनट में मैं मेंटल बैंक करप्ट कर दूंगा तुझको, तो रुको थोड़ा सा इंतजार करो और बोलो यार, मतलब शेयर करो लाइव उसको, बोलो आ जाओ मादरचोद फर्जी आईडी से, देखो बाप को तो ब्लॉक करके गए हो तुम, तो फर्जी आपको आईडी ब्लॉक से आओ और किया देखो हमारी लाइव। देखो 15 मिनट की स्पीच आपको दूंगा ब्लॉक भाइयों, किया है। 15 मिनट की स्पीच दूंगा, हाँ रिकॉर्ड कर लेना तुम लोग। अच्छा, तो वो तुम्हारी राय पे करने वाले हो तुम। हाँ यहीं पे कर लेते हैं सूपी पनोड़ी भैया, कुछ हाँ कर लो कर लो। को आप खत्म करिए, कुछ को हम निपटाते हैं, क्या बुरा है, मिल बांट के सारे दुश्मन को ही तो कटना है एट द हाँ, एंड। मैं तो भाई, मैं तो मामा कीर्ति पटेल और ये नंगड़ विधवा। शेरनी। हाँ हाँ। भाई नंगड़ विधवा, तू बहुत पछताने वाली है, याद रखियो ये मेरे वर्ड्स। मैं ज्यादा कुछ लाइव पे बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन तू याद रख लेना मेरे ये वर्ड्स, ठीक है। और अभी तो तू रूप, अभी तो ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रेलर था। अब सारी चीजें मैं सिर्फ तुझे ही सेंड करूंगा, सिर्फ तेरी आईडी पे मैं सेंड करूंगा सारी चीजें, ठीक है। सारी वीडियोस तेरे बेटे की, कैसे चमाटे पड़ेंगे उसको उधर, वो सिर्फ मैं तुझे सेंड करूंगा। तू वेट कर, अब सिर्फ वेट कर, तू लाइक शेयर कर दो तू वेट कर सिर्फ। अब बहुत अच्छा लगा है ना तुझे मेरी बहन को गाली देने में, मेरा बहन का मुझे रेपिस्ट बनाने में, बहुत तू उछल रही थी। मैं तुझे एहसास कराऊंगा, मैं भाई। तुझे एहसास कराऊंगा कि जब छोटी उम्र में कोई अपना छोड़ के जाता है ना, तो बहन जो उसका दुख क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, पूरे फैमिली में कैसा मातम होता है कई सालों तक, समझी। वो मैं तुझे एहसास कराऊंगा, देख। तू तुझे मजाक लगता है ना, 9 साल की लड़की का तुझे ये बोलना, तुझे मजाक लगता है, राइट। तुझे बार बार सूफी भाई ने रोका था अपनी लाइफ पे कि शेरनी मत बोल मत बोल मत बोल, तुझे बहन की लौड़ी, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी बूढ़ा भोसड़ा, तुझे बलराज भाई ने भी रोका कि उसकी बहन के बारे में मत बोल। लेकिन तुझे तो बहुत मजा आता था 200-400 व्यूअर्स बढ़वाने में। अब जा तेरे व्यूअर्स को बोल, बचा ले तेरे बेटे रोहित को। तेरे बेटे ने तो अपनी सरनेम भी नहीं लगाई है पीछे, जो लिंडी में जॉब, तेरा बेटा दो कौड़ी की जो जॉब ढूंढता फिरता है ना, वहां किसी बूढ़ी बूढ़े कम्युनिटी सेंटर में तेरा बेटा 6 पाउंड में काम करता है, पूरे अवर्स भी काम करने को उसको मिलते नहीं है ना। सारी तू तेरी बहन चोद दूंगा मैं, अभी तो तू रुक। मादर चोद तेरी तरह सबको हवाबाज समझाए क्या तूने, सब हवाबाज नहीं होते यहाँ पे, समझी, कुछ करने वाले भी होते हैं। बोल तू अब मेरी मेरी बहन के बारे में बोल तू,
तू गाली दे, लाइव चालू करके बोल, तू बोल, बहुत मजा आएगा आप खेले में, बहुत मजा आएगा इस खेले में। आज तो पनोड़ी भाई ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स इन लोगों ने कर मैं रखी तुझे चैलेंज करता हूं, इस दिवाली में तेरे घर पे दिए नहीं जलेंगे, लिख लेना ये बात को, इस दिवाली में तेरे घर पे दिए नहीं जलेंगे, नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले मेरा स्टेटमेंट बूढ़ा भोसड़ा, इस दिवाली में तेरे घर पे दिए नहीं जलेंगे, रिकॉर्ड कर ले इस स्टेटमेंट को, समझ गई? अब तुझे पता तो चल चुका होगा कि मैं हवाबाज नहीं हूं, हवाबाजी करती थी, मेरे मेरे रोहित को ढूंढ के दिखाओ, मेरे रोहित को ढूंढ के दिखाओ, तेरे माँ की चूत तेरी। अभी तो रुक, आज तो पहला दिन है, आज तो कुछ नहीं है, आज तो तू रुक अरे ये तो शेरनी लाइव पे आ गई हमारी, कौन? शेरनी लाइव पे हमारी। फेक आईडी तो मत है भाई, ये कौन? देखना हीरोइन नहीं, ये सामने। फेक आईडी नहीं है, बूढ़ा ये रियल भोसड़ा, आईडी है, रियल बूढ़ा भोसड़ा आईडी है। लाइफ पे। अरे पर इसकी ये मेरे को क्यों नहीं नजर आ रही, रिक्वेस्ट डाल शेरनी एक बार। ये बहनचोद कितनी रील शेयर करते हैं भाई। जल्दी कर, क्या करें, जल्दी क्या करें यार, जल्दी कर लिख रही हूँ। ये रियल आईडी है क्या भाई, जिसको हाँ रियल आईडी है, रियल आईडी है। अभी मैंने ऐड किया एक बार ही चेक करना उसको। हाँ किया है इनवाइटेड में। नहीं, ये रियल आईडी नहीं है। 000 पर मेरे को उसकी आईडी नजर नहीं आ रही। अच्छा मैंने उसको फॉलो, पर मैं उसको सर्च कर रहा हूँ मेरे को दिख नहीं रही। पर गुरुगांव शेरनी एक बार मतलब लाइव पे अगर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर डाल। शेरनी बस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ वो तो मेरे को भी पता है, बट मेरे को उसकी आईडी शो नहीं हो रही भाई इधर। कोई प्रॉब्लम होगी, छोड़ शेरनी दीजिए, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डाल, शेरनी रिक्वेस्ट डाल। डाल दो यार। अरे उस बूढ़े भोसड़े को ले लो, मैं सावन लेने जा रहा हूं, ले ठीक है लो उस डन। बूढ़े भोसड़े को ले लो, अभी जल्दी एक बार पहुंच सुमित जा, मारन के बारे में जल्दी बता पहुंच देता हूँ, जा, फिर ये इसको कर दे लिखो। वो कर दे, तेरी माँ चोद दूंगा बूढ़ा भोसड़ा, मैं जा तुझसे जो होता है कर ले, केस लगा दे, जितनी गुहार लगानी उतनी लगा दे, तू टट्टे पकड़ ले, तू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेन कर दे मेरी, तेरे दिवाली पे तेरे घर में दिए नहीं जलेंगे, दैट्स माय मदर फकिंग चैलेंज। चलो भाई ले लो उस बूढ़े भोसड़े को। जय भोले की। यार नहीं हीरो इंसान भाई आपको नजर आ रही है क्या वो? मुझे आ रही है, मुझे आ रही है, पर अभी मैं चाहता हूं कि 5 मिनट 10 मिनट आप मुझे दो, और इसके अलावा किसी को ऐड मत करो, फिर इसके बाद हम किसी को ऐड करते हैं, अच्छा ठीक ठीक है? है। तो देखो भाइयों और बहनों, तो ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा डीएम आ रहे हैं कि आपको ये बोल रहा है, आपकी ये फोटो है, आपकी ये लोकेशन है, आपका ये नाम है, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। और देखो एक बात बताता हूं तुम लोगों को, 15 मिनट की स्पीच होगी, सुनना तुम लोग, ठीक है? जब मैं किसी की माँ चोदता हूं तो एक बच्चा होता है, ठीक है? अब वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है और गंध फैलाता है, तो उस बच्चे को लात मार के अपने काम पे फोकस करो। वो बच्चा हमारी लाइबिलिटी नहीं है। मैंने तो चुदाई मोमेंटली प्लेजर के लिए की थी, अब उस बच्चे की जिम्मेदारी वो लेगी या वो लेगा जिसकी मैंने चुदाई की थी। तो ठीक है, सबको लंड पे रखो, सबको लंड पे रखो, इतना मत सोचो।